एंड बहुत ठंडा ग्लास बहुत ज्यादा होती है, मजा नहीं आता। मामा जी मुझे कोई चीज देना, मैं ऐसे पकड़ लूं। ऐसे खोया भी करके दिखा, खोया निकाल के दिखा। 6 दिनों बाद दे देंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं यहाँ हूँ, मैं तेरा साथ करना, मैं अब की जान हूँ। तो अब हम जा रहे हैं, मामा के दांत को कुछ हो गया था, दाढ़ को, तो वो हम निकलवाने जा रहे हैं। तो वो निकलवाते हैं, जाके देखते हैं उसके बाद के प्रोग्राम क्या बनते हैं। तो आप चैनल को जाके करना सब्सक्राइब, लाइक वाला मत भूलिए। और वो अपने कपड़े पकड़ लो सिलाई वाले। और ये जाते जाते दर्जी को कपड़े भी देने हैं, हमारे भी हैं और छोटे बच्चे को भी हैं। ये हमने ईद के लिए सिलवाने हैं, ये जाते जाते देने हैं। आप चैनल सब्सक्राइब, लाइक वाला मत भूलिए। और देखते हैं गाड़ी में कौन कौन बैठा है, नानी अम्मी भी है, नाना वो भी हैं। और ये देखें गाड़ी निकलवा रहे हैं अभी। तो अब हम दर्जे पास जा रहे हैं, तो ये देखें फ्रूट चाट लगी है, कितने किस्मों की है वो देखें। फ्रूट चाट भी बहुत किस्मों की है, ये आजकल जगह जगह लगे होते हैं। इधर से भी आजकल अफतारी का अखरोट छोट जो बुढ़े आदमी होते हैं उनके लिए होते हैं। और ये देखें ये सब्ज़ी भी लगी हुई है, ये सारी हम मार्केट में आए हैं। इधर हमने एक दर्जी रखा है जो कि हम बस उसको ही ज़्यादा कपड़े शपड़े देते हैं। ये देखें ये शेक वगैरह, तो वो देखें कपड़ों की दुकान भी है। तो ये देखें कितना बड़ा है, कितनी बड़ी है, देखें मार्केट है ये सारी, एक साथ सारी एक कानूनी मार्केट ही है। और ये देखें अल मदीना, ये कपड़े वाले से हम ज़्यादा कर इनसे कपड़े लेते हैं, ईद के लिए ऐसे भी लेने हो तो ज़्यादा इनसे लेते हैं। और ये तंबू शंबू किसके लगे हैं मुझे इधर तो लड़के बैठे ही भी है, ये देखें पता नहीं, समझ नहीं आई मुझे। तो ये देखें ये जूतियाँ भी लगी हुई हैं, ये देखें ये इधर खिलौने, ये देखें ये कितने प्यारे, ये देखें ऐसे ये गिर भी जाएँ तो फिर भी ऐसे देखें खड़े हो जाते हैं, कितने तड़ा हैं वो देखें। ये देखें ये रेल वो जिसको कहते हैं, अच्छा जिसको बड़े इसको कहते हैं, माई के बाल वगैरह ऐसा बड़ा कुछ कहते हैं। ये देखें इधर कितने ज़्यादा कपड़ों की दुकानें हैं, ये देखें ये सारा कपड़ों की है, ये सारी एक बड़ी सी मार्केट है। इसमें ही हमने एक दर्जी रखा है। और वैसे ईद सी ईद से ना थोड़ी ज़्यादा रौनक है, ये देखें चूड़ियाँ कितनी चीज़ें ईद के साथ भी ज़्यादा कर रौनक। तो अब ये देखें ये खिलौने वाली शॉप आ जाती है, इधर तरह तरह के खिलौने हैं, ये ईद है इसलिए ज़्यादा चीज़ें ऐसे रखी हैं। ये वहाँ गोलगप्पे भी लगे हैं, बड़े सारे अलग अलग, ये सारी एक बड़ी सी मार्केट है। इधर स्टिच कर रहे हैं, रंग देने हो कपड़े देने हो। ये देखें आगे एक मेकअप की दुकान है, मेकअप जैसी चीज़ों की। तो मार्केट तो बहुत बड़ी है, और ईद का करके थोड़ी सी और बढ़ी हुई है। तो इधर हमने ईद के कपड़े देने हैं। ये हैं वो अंकल जिनसे हम कपड़े सिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, चले अब अम्मा इनको कपड़े देंगी और समझाएंगी। ये देखें इन्होंने और भी कितने वर्कर्स लगाए हैं अपने साथ, कितने ज़्यादा इन्होंने अपने। एक सूट है ना, एक छोटे का एक बड़े का। चले अम्मा उनको समझाती हैं। और ये देखिए कपड़ों की लैसों की दुकान, ये कपड़ों की लैसों की दुकान। तो ये बहुत बड़ी मार्केट है हमारे पिपल कॉलोनी, मतलब कि हमारे नानों घर नहीं है और पिपल कॉलोनी में हमारे नानों का घर, ये उधर ही है। और
ये उधर ही है तो बहुत बड़ी है। इधर से हम हर चीज़ हम इधर से लेते हैं, जो कि जूती वगैरह हम सेट का तो उनसे जूती वगैरह लेते हैं। तो अम्मा उनको समझाती हैं, आप चैनल को जाकर कर दें सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन मत भूलिए। ये ऐ देखो ना, बस कर दे तू। अंकल ये आप हमें सूट कब तक दे देंगे? 6 दिन बाद दे देंगे। 6 दिनों बाद दे देंगे, चले सही है। चले अंकल ने कहा तो मैं आपको 6 दिनों बाद सूट दे दूँगा। तो चले हम चलते हैं, नाना अबू ने हमें पिक करना है गाड़ी पे। तो अब हम आ गए हैं डेंटिस्ट के पास। आपको उनका बर्थ अंदर जाके बोर्ड भी दिखाऊंगा, लेकिन अंदर कैमरा अलो नहीं है। ये बहुत हमने जब सुना तो बहुत, लेकिन आपको आगे का टूर हमने क्या खाना पीना है वो आपको ज़रूर दिखाऊँगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, कोई बात नहीं। तो दांत टूट का क्या देखना है आपने, चीखों का पास क्या सही है, लेकिन आगे का आपको माहौल मैं ज़रूर दिखाऊँगा कि क्या खाते पीते हैं। चले चलते हैं। तो ये देखें अब हम आ गए हैं दूध पीने। मामा का दांत हमने निकलवा दिया था, गुजरात मिल्क शॉप से दूध पीने आ गए हैं। ये देखें ये ऐसे बनाते हैं मशीनों से, ठंडा वगैरह करके सारा। बड़ी मार्केट है, यहाँ मार्केट में हमारे अब दूध पैक। कैसे पकड़ा तुमने अहमद को? क्या ठंडा लग रहा है? नहीं। और नाया को? मुझे दूध मुझे बहुत पसंद है, मैं पीता हूं। मेरा भी, लेकिन मेरे हैंड गाइस ये बहुत ठंडा ग्लास बहुत ज्यादा होती है, मजा नहीं आता। मामा जी मुझे कोई चीज देना, मैं ऐसे पकड़ लूं। कोई बात नहीं, सबने पकड़ा हुआ है ना, ऐसे ही जल्दी जल्दी से फिनिश कर लो ऐसे। हाँ नीचे से पकड़ो, फिर ठंडा काम लगेगा। अहमद आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा। दिखाओ जरा मुझे ग्लास अंदर से। आपने तो अभी इतना ज्यादा पिया ही नहीं है। मम्मी ऐसे भी ज्यादा? ओए आपने थोड़ा ज्यादा पिया है। अहमद दिखाओ आपने कितना पिया है। चलो देखते हैं जल्दी जल्दी फिनिश करो, कौन जल्दी फिनिश करता है। कर लो। ये सारे इधर इन्होंने चेहरे लगाई हैं, और ये जितने हैं ये सारे स्टैम्प पी रहे हैं। ये सारों ने ये देखे, इन्होंने चेहरे लगाई होती हैं। ये स्टैम्प आके अफ्तारी के बाद ही आते हैं। और ये लो यार अपना दूध, ये लो। और ये इनका दूध है, लोडेड ग्लास इनका होता है। ये देखे मुझे तो इसके ऊपर वाले ज़्यादा पसंद है। ऐसे खोया भी करके दिखा, खोया निकाल के दिखा, निकाल के तो दिखा ना, निकाल के दिखा एंड से। सारी सारी जोक खत्म हो जाए। दिखा नहीं निकलना, ये भी चम्मच ब्लॉग बना रहे हो? चाट वगैरह सैलड है। और ये देखें ये जलेबी है, ये देखें ऐसे बनने का तरीका। फिर ये इसके अंदर डाली जा रही है। ये फिर पहले बना के तेल के अंदर पकाते हैं, और फिर इसके अंदर वो जो चीनी का बनाया होता है उन्होंने फिर उसके अंदर डाल दिया। ये देखें गुजरात की मिल्क बहुत मशहूर है, और ये उसके पास है ये जलेबी और ये फ्रूट चाट। और देखे मशहूर बहुत, कैसे पता चलता है? ये देखें इधर रश बहुत ज़्यादा, ये देखें रश। ओए किधर गया सैलड वाला? इधर